बात मुखिया जी के साथ। इस कार्यक्रम के द्वारा हम पहुंचे हुए चकवा पंचायत में। हम आपको बताना चाहेंगे कि चकवा पंचायत जो कि जगदीशपुर प्रखंड में पड़ता है और हमारे साथ यहां के मुखिया प्रतिनिधि हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं विकास के मुद्दे पे क्या बताना चाहेंगे। मुखिया जी, सबसे पहले तो हमारे समृद्धि न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तमाम जनता आपको टीवी स्क्रीन पर देख रही है। हम जानना चाहेंगे मुखिया जी, ये जो 7 निश्चय योजना चल रही है बिहार सरकार की, ये तो ऐसे तो बिहार सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है, आपके अनुसार ये कैसी योजना है? जो 7 निश्चय का काम है मुख्यमंत्री योजना का, काम अच्छा है, सराहनीय बात है। लेकिन बात इतना ही है कि जो वार्ड की समस्या है जहाँ तहाँ उधर न जाती है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि नीतीश जी का जो भी योजना है वो ऐसा तरह से हम लोग उसको बढ़िया काम करें और सरकार का जो उपलब्धियाँ है उसको हम लोग पूरा करें। तो वही बात है, हम लोग बहुत प्रयास करते हैं वार्ड से मिलकर, वहाँ कमेटी के मिलकर हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ तक 7 निश्चय का काम हो वो सफल। अच्छा मुखिया जी, ये जो हम कह रहे हैं कि जो आपके साथ जो वार्ड, आपके कितने वार्ड हैं टोटल? हमारे पंचायत में 16 वार्ड है। 16 वार्ड है, और कितने वार्ड चयनित किए गए हैं? अभी जो फर्स्ट में हम लोग चुनाव जीते थे तब 3 वार्ड चयनित हुआ था जी, जिसमें हम लोग का पैसा 3 वार्ड में आया था। फिर दोबारा 4 वार्ड चयनित हुआ, उसमें पैसा नहीं आया है। तो 3 वार्ड में जो चयनित हुआ है हमारा काम चल रहा है। अच्छा, 3 वार्ड में काम चल रहा है? हाँ चल रहा है। अच्छा मुखिया जी, शौचालय की यदि बात की जाए, केंद्र सरकार के द्वारा शौचालय लगाने की, हर घर में शौचालय लगाने की बात चल रही है, तो आपके पंचायत में क्या पोजीशन है? पोजीशन देखिए, बात सही है, हर घर में शौचालय बनना चाहिए, लेकिन और लोग पैसे की भाव में नहीं बना पाते हैं, और लोग बना भी दिए हैं तो उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहेंगे ऊपर से पदाधिकारी कुछ दबाव दें कि जिनका शौचालय बन चुका है उनको पेमेंट करें। इसके बाद हम लोग को जो भी प्रयास है, हम लोग चाहते हैं कि जिनको नहीं बना है वो बनावे। हर एक अपने पंचायत की बात कर रहे हैं, हम लोग नुक्कड़ सभा के माध्यम से, मसाल के माध्यम से स्वच्छ मुक्त के हम लोग झांकी निकाले थे कि नहीं शौचालय बनाना है। तो इसलिए हम लोग सरकार के साथ हैं, इनमें कोई हम लोग कोई थी नहीं है, हम लोग जहां तक सरकार की मदद मिलेगी हम लोग उनके साथ हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। मुखिया जी, चूंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, मिलने जुलने के बाद बहुत तरह की समस्या आपके साथ क्रिएट होती होगी, तो आप सरकार को अपने अनुसार क्या समस्या बताना चाहेंगे या क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, समस्या तो हम लोग विकास संबंधित हम लोग प्रतिनिधि है, जनता हम लोग को विकास के लिए चुनी है, हम लोग यथासंभव हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारा पंचायत में विकास हो, विकास होगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। और जहाँ तक की समस्या है, हम लोग राजनीतिक आदमी है, और कहीं कुछ समस्या होती है तो हमारा माध्यम से, चाहे 10 गो बुजुर्गों के माध्यम से हम लोग समाधान कर लेते हैं, और हम लोग अपना प्रयास जारी रखे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, जहाँ तक हम लोग को कार्यक्रम सफल हो, नीतीश कुमार का कार्यक्रम सफल हो। थैंक यू। अभी आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी, ये चकवा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजेश्वर पासवान जी थे। इन्होंने कहा कि हमारा जो पंचायत है काम चल रहा है, थोड़ा सा पैसे के अभाव में कुछ वार्डों में काम नहीं हो रहा है, ऐसे चयनित वार्ड जो है उसमें से मैक्सिमम वार्ड में मेरा काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। नीतीश सरकार की जो इन्होंने बात बताया कि अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो फंड, ये जो हमारा 7 निश्चय योजना जो पारित किया गया है, बहुत ही अच्छी योजना है, इस पर काम चल रहा है, हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, यदि सपोर्ट मिले तो निश्चित तौर से हमारा जो भी है, हर पंचायत के, हमारे पंचायत के हर घर में शौचालय लगेंगे और भी सुंदर और भी बेहतर काम होंगे।
थैंक यू समृद्धि न्यूज चैनल से अशोक तिवारी, कैमरामैन अरुण रोचा के साथ, धन्यवाद।